हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा निकली साइबर लॉ कंसल्टेंट की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाले नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीज़न है, वहाँ वैकेंसी निकली हुई है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, साइबर लॉ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.negd.gov.in जो कि आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है, इसे ओपन कर लीजिए और इसके बाद इसका जो करियर सेक्शन है उस पर पहुंच जाइए। तो जो करंट वैकेंसीज़ हैं, करंट वैकेंसीज़ में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ई गवर्नेंस डिवीज़न के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसका डिवीज़न है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है, जिसे NEGD के नाम से भी जानते हैं आप। और यहाँ देखिए, जॉब जो कोड है वो है NEGD/cyber-law/2022-01। इसका जो डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला, जो पद यहाँ मिलेगा, टीम लीड साइबर लॉ के नाम से मिलेगा। ये आपका जो है एक प्रकार से लीगल कंसल्टेंट होगा साइबर लॉ का। और ये जो जॉब होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी, लेकिन जो NISG है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इसमें आपको पेरोल पर भी रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो है ऑनलाइन बिल्डिंग प्रोग्राम है साइबर लॉ से रिलेटेड, इसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, डिजिटल फॉरेंसिक है, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैनेज की जाएंगी, इसलिए वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है और इसकी जो सैलरी है 75,000 पर मंथ की सैलरी फिक्स है यहाँ पर। और जॉब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि साइबर लॉ से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, उसको मैनेज करना है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास जो है लॉ डिग्री होनी चाहिए, मास्टर लॉ डिग्री मीन्स LLM की डिग्री होनी चाहिए साइबर लॉ से रिलेटेड, या फिर IPR से रिलेटेड, या साइबर क्राइम से रिलेटेड आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास साइबर लॉ या क्राइम से रिलेटेड वर्क करने का। आपका जो लीगल रिसर्च है, ड्राफ्टिंग स्किल है और जो राइटिंग स्किल्स है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिनिमम यहाँ पर 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपके पास 4 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस हो सकता है, तो वो भी यहाँ पर जो है काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क है क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ एज लिमिट की, तो किसी भी एज लिमिट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स यहाँ कोई एज लिमिट फिक्स नहीं की गई है। और दूसरा बात करें कि इसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और इसकी जो अप्लीकेशन फ़ीस है वो पूरी तरह से फ्री है, आपको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपना एक CV या रिज्यूम तैयार कर लेना होगा, जिसमें डिटेल्ड फॉर्म में अपनी सारी चीज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, और जो आपने बीच में कभी लीगल रिसर्च रिलेटेड वर्क किया हो, या और आपकी जो राइटिंग स्किल्स वगैरह, कोई क्वालिटी कहीं सर्टिफिकेट्स लिए हों, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको देनी होगी। वो सारा देने के बाद आपका CV तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, करना क्या है आपको कि यहाँ देखिए, इसी नोटिफिकेशन के जब लास्ट में आएंगे सबसे, तो देखिए लिखा हुआ है टू अप्लाई क्लिक ऑन। तो ये जो आगे जो है डिटेल दिख रहा है आपका careers.nisg और करके, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा, NISG का पेज ओपन हो जाएगा, जो वेबसाइट है जिसके थ्रू ये वैकेंसीज भरी जाती हैं, और उस पेज को भी चलिए दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका NISG का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, अप्लाई पर क्लिक करते ही देखिए, ये जो है सारी डिटेल्स भरने के लिए ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, जो भी एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो गई, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या, सारे डिटेल्स फिलअप करना है। और लास्ट में आपको जो है यहाँ देखिए अटैच रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर रिज्यूम अपना अटैच कर दीजिए और यहाँ पर फाइल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यदि आप उनकी एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको जो है मेल आएगी और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।